सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई गुरुवार को बंद कर दी। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग ब्रिजभूषण पर FIR दर्ज करने की थी, जो कि पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तब आया है जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई है। जंतर मंतर पर बुधवार देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेसलर्स पर बल का प्रयोग नहीं किया गया। 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। हमने पुलिस कर्मियों का मेडिकल भी करवाया और कोई भी नशे में नहीं पाया गया। लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रेसलर्स ने झड़प के बाद गुरुवार को कहा कि हम सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। महावीर फोगाट ने भी कहा कि वे अपना द्रोणाचार्य अवार्ड लौटा देंगे। बुधवार रात करीब 11:15 विवाद तब शुरू हुआ जब बारिश से बिस्तर और सड़कें भीगने के बाद पहलवान बेड लेकर धरना स्थल आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी बेड लेकर पहुंचे। पुलिस ने जब पहलवानों और भारती को रोका तो बहस शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन रेसलर्स उग्र हो गए। हल्की सी झड़प भी हो गई। भारती समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुरुवार को धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।